लेकर आ गया हूँ चारा। पीछे बंधवा दिया पापा ने। मम्मी बना रही प्याज, प्याज छिल दिया मम्मी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों सुबह की मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह सुबह हमने खेतों में चला दिया पानी और मैं आ गया हूँ ब्रश करने। तो ब्रश हमने कर लिया और अब हम जा रहे हैं घर के ऊपर। आशु, तो दोस्तों आशु हो रही तैयार और मम्मी बना। हमारा शेर नहीं उठा अभी तक, शेर खान चुपचाप सो रहे हैं इसको। मम्मी बना रही है खाना और मम्मी ने बनाई आज बैंगन की सब्जी। पप्पन क्या कर रहा है उधर? पप्पन बैठा आज हमारे चुपचाप ही। पप्पन कैसे बढ़ा? दवाई लगा, दवाई है पप्पन, दवाई। समझ गया, समझ जाओ जब दवाई का नाम से। पप्पन समझदार है कि दवाई लगाएंगे अभी हमारे। मम्मी जा रही है दूध लेकर और हम करेंगे अब नाश्ता। तो अभी दोस्तों छोटी बहन क्या कर रही है देखो, इतना सारा गोबर था भैया आज, ये इतना सारा गोबर हो गया आज, इसके बहुत सारा गोबर लिया ही आज, इकट्ठा कर लिया इसने कम से कम 8-10 दिन का है ना, इकट्ठा कर लिया जो अब है ना, अब था पेगी इसको, अभी इतने इतने से बना देगी पे। ये देखो कितने प्यारे प्यारे बना दिए इसने, और भी बना दिए, और ये देखो। और अभी हमारी अनन्या जग गई होगी, उसको जाना पड़ेगा, डेंजर है हमारे आदमी, अभी देखना पड़ेगा दोस्तों। देखो चल हमारे इधर क्या आ रही है। शू चलो जल्दी जा, नानी रोटी बना दी, पैक कर दी। पापा उधर चारा खोद रहे, इतना सारा खोद लिया। पेशाला क्या काम जा रहे जब? पापा दो बातें और सुनाएंगे अभी मुझे। तो अभी दोस्तों इधर शानदार सा पानी हो गया गीला गीला, ऐसा तो होता है दोस्तों खेतों के अंदर। देखो इसमें आने वाला पानी थोड़ी देर में, इस वाले क्यारे में आ जाएगा पानी अब। हरे हाँ नहीं देख, गंदा कर दी थी पजामा, ले पहनो पजामा पहनो, चलो उड़ जा, बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाँ गुड मॉर्निंग। अनी ने गुड मॉर्निंग कर दिया भाई, अनी ने गुड मॉर्निंग कर दिया। चलो चलिए चलिए कट्टो पकड़ निकल लो बराबर, तू बाबा देखिए बाबा सही ना भाई यार। अनी गए ना आंसू, देखो टाटा कर दी, कर दी टाटा, गई वा तो गई तन छोड़ गई ना, जाऊं तू अच्छे बच्चे जन तू। अनी नहीं जाती अब आज, आज मान गए मैं तो हल्का मच जाता अभी। मम्मी बना रही है फूली फूली रोटी शानदार। तो दोस्तों अभी मेरे सामने वो इंसान आ चुका है जो हमारे सारी टोंक शहर की लड़कियों को ना बस केयर ढा रखा है इसने, परेशान कर रखा है इसने सारी लड़कियों को। और यही ये पहचान लो इसको ध्यान से, इसकी गाड़ी जहाँ भी दिखना बस इसको पकड़ो और लड़कियों और इसको है ना बस आई लव यू कहो। आइए सर आ गया लोडा। तो दोस्तों खाना वगैरह हमने खा लिया और हनी कहाँ है? हनी अब हम दुकान जा रहे हैं, कहाँ जा रहा हूँ दुकान, टाटा कर दें। तभी दोस्तों अनी ने कर दिया टाटा और हम जा रहे हैं दुकान पे भाई का खाना लेकर, और हम बुआ के भी जाएंगे, फूफा जी कटिंग वगैरह करनी है आज। कल तो मम्मी का गई, मम्मी चारा लेने गई भी है। तो मैं हूँ दोस्तों अभी दुकान के ऊपर और आप चारों तरफ देख सकते हैं, बरसात का मौसम हो रहा है लेकिन कभी धूप कभी छाया ऐसा हो रहा है देखो। और ये बन रही है मेरी यहाँ पर चाय, और जो भी चाय पीते हैं वो लाइक जरूर करें वीडियो। तो गाइज मैं आ चुका हूँ घर के ऊपर, और क्योंकि मुझे दुकान से घर आना पड़ा बुआ के जाता मैं, और देखना ये पड़ेगा कि पप्पन क्या कर रहा है। पप्पन ये हमारा पप्पन है, पप्पन अरे क्या कर रहा है मेरा शेर, चील लाया हूँ मैं तेरे लिए, चीज चील लाया हूँ मैं बैग के अंदर चीज। पप्पन ये क्या कर लिया पप्पन तूने? तो अभी दोस्तों मैं हूँ बुआ के घर के ऊपर, मैंने पुपा की दाढ़ी कटिंग वगैरह कर दिए और पीछे देख सकते हैं आप, और पापा वो सो रहे हैं वहाँ पर, और मैंने पापा के लिए चीज़ मंगाई है, मतलब मिठाई खाने का मन था उनका, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस चल रही है पापा जी की हालत हमारे, तो मतलब कुछ नहीं कह सकते, तो अभी मिठाई मंगाई है मैंने बच्चे से। तो अभी बच्चा लेकर आ गया है चीज़, ले बेटा ले आयो, तू खा ली उन चीज़ ठीक है, हाँ खा लीजिए है ना, ले पापा के लिए चीज़ मंगा ली मैंने, पापा ले पापा जी खाइए मस्त एकदम, पापा जी हमारे। हाँ नहीं वो छोरो ना, वो छोरो ना, वो छोरो
रामू दिया तो रामू तो क्या रामा तो मैं आ चुका हूँ घर के ऊपर और अभी क्या कर रही है नी दोई दोई क्या आशु आ गया स्कूल से चीज खा लिया निकाई चीज तो भैया आशु ने चीज निकाई शायद इसको पता नहीं है चीज के लिए हनी क्या कर रही है क्या देख रही है चाय अभी दोस्तों दोपहर की चाय मिल गई 3:30 बज रहे हैं शाम के आज है क्या 3:30 बज रहे हैं आज चाय उठ जा ली उठ जा बोल आशु मम्मी भी चाय पी रही चारों पड़ लाई मम्मी बहुत सारा खतरनाक नींद की यार जी आज रोटी खतरनाक खा ली दोस्तों मैं आया हूँ हमारे नए घर के ऊपर जो यहाँ से देखो कितना शानदार व्यू है चारों तरफ का ये हमारे टोंक शहर का पहाड़ है वो देख रहे हैं आप पीछे और चारों तरफ देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है इधर से और ये देखो आज बरसात का मौसम है तो बिल्कुल कुछ नहीं ये गार्डन है जहाँ पर गाने चल रहे हैं दोस्तों ज़्यादा नहीं बना सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा तो अभी वापस से ना मौसम बिगड़ गया है दोस्तों तो मैं जा रहा हूँ पापा खेत में चारा उपाड़ रहे हैं जो मम्मी ने बोला है कि चारा लेके आने के लिए फटाफट बरसात का मौसम हो रहा चारों तरफ देख सकते हैं आप कितना खतरनाक मौसम और पापा वहाँ उपाड़ रहे हैं चारा तो मुझे जाना है फटाफट से पापा के पास में लौड़ी फेंको हाँ पापा लेकर आ गए चारा और तो दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ चारा पीछे बंधवा दिया पापा ने इसलिए अब चलना पड़ेगा धीरे धीरे हनी बता नानी को क्या करके आई थी फोटो खचाओ तो छको ना ढंग से मम्मी बना रही प्याज छिल दिया मम्मी पापा इधर बैठ गए मौसम खतरनाक और जी एकदम शानदार वालों तो गाइस अभी हम करेंगे अपने कपड़े चेंज आशु मम्मी बना रही है आज दाल बन रही है ये दाल हनीफ आ जा आज मम्मी बना रही दाल शानदार दाल क्या बना रही है दाल आशु क्या कर रहा है बस दिन भर खेल लो सूखली गई गंदी सूखली होगी जा मम्मी देख चीज दे रही जा नानी चीज दे रही जा करे हो तू तो ये तुम्हारी मम्मी को करते ना हाँ हूँ कहीं तो अभी दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और बारिश आना शुरू हो गई हमारे यहाँ पर अभी इधर देखो मम्मी ने सब सामान समेट दिया बारिश आ रही है दोस्तों हमारे यहाँ बारिश शुरू हो गई हमारे यहाँ तो और मम्मी ने सब सेटलमेंट अंदर कर लिया भैया दिल लगा लिया मैंने अरे क्या कर रही हो बारिश आ गई तो मम्मी अभी अंदर खाना बनाएगी तो हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों आज बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर और दुकान से जब हम आए थे ना तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी इस वजह से ब्लॉग शूट नहीं कर पाए तो अभी हो रहा रात का समय क्योंकि बज रहे रात के 9 और अब सोने का टाइम हो गया दोस्तों आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना थैंक्स फॉर वॉचिंग।